नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल जेपी, और इस वक्त मैं रोहतास जिला से एक बड़ी खबर दिखलाने जा रहा हूं। कल इतनी आंधी पानी के मुकाबला किए हैं खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी मैं उन्हें कह रहा हूं जो कि रात में जग करके और दूसरे को अंधकार को मिटा करके और रोशनी के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आया कॉल तभी चल देते हैं, चाहे आंधी हो या पानी हो, फिर भी वहाँ जा कर के और बिजली को बहाल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। रात हो या सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो, हर वक्त रहते हैं तैयार, क्योंकि जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी फैलाने का प्रयास करते हैं। जिस बिजली से हम डरते हैं, वही बिजली वही करंट से ये दिन रात खेलते हैं और हर किसी के चेहरे पे हर पल मुस्कुराहट लाते हैं। तो चलिए, विशेष अपडेटिंग आपको मैं इस चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी आप देख रहे हैं विक्रमगंज अनुमंडल के पावर हाउस के पावर स्टार लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये लोग पावर स्टार इसलिए कहा जाता है कि अगर ये लोग सो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा ये अनुमंडल जो है अंधकार में डूब जाता है। और ये लोग इतना मेहनत करते हैं कि रात्रि को भी अगर इन लोग के पास फोन आता है कि कहीं बिजली फॉल्ट है या कहीं पे तार टूटा हुआ है, तो ये लोग अपने जान के परवाह किए बगैर वहां पर जा करके और उस बिजली को बनाने का प्रयास करते हैं, उस तार को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और अभी देखिए, यहाँ पर सभी लोग के चेहरा आप बारी बारी से देख लीजिए, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा पूजा कर करके ये लोग और विश्वकर्मा जी की पूजा कर करके आज विनती किए हैं कि विश्वकर्मा भगवान हर वक्त हम लोग को साथ दीजिएगा और जितने भी लोग हैं उन लोग भी हरदम उजाला में रखिएगा, खुशहाल रखिएगा। और ये देखिए, सब लोग का मुस्कुराती हुई चेहरा, यही मुस्कुराती हुई चेहरा दूसरे के मुस्कुराहट तब देते हैं जबकि अंधकार में पूरा अनुमंडल डूब जाता है, और जब इनके पास फोन आता है उस वक्त जा करके और वहां पर रोशनी देते हैं, तो उन लोग का भी चेहरा जो होता है मुस्कुराता हुआ इन लोग को आशीर्वाद देता है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर? विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर भगवान का स्मरण करके ध्यान करके बहुत अच्छा लगा, और जिस प्रकार से हर वर्ष इनका ध्यान स्मरण किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उसी प्रकार इस वर्ष भी किया गया और प्रसाद का वितरण किया गया। और प्रार्थना करते हैं विश्वकर्मा भगवान से कि ऐसे ही खुशहाल सबको बनाए रखें, सबको क्षति, चलिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सब लोग खुशहाल रहें। और ये बताइए कि आप लोगों के पास अगर फोन आता है कहीं से तो कब कितना देर में वहाँ पहुँचते हैं आप लोग? लगभग आधा घंटा के अंदर में पहुंच जाते हैं, दूरी को देखते हुए। दूरी को देखते हुए, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं कि रात में बिजली उन लोग को दिया जाए। दिया जाए। अगर बारिश होती है तो आप लोग को डर नहीं लगता है? बारिश में तो हम लोग 4 बजे तक काम किए हैं कल के रात में। अच्छा, कहीं कहीं पेड़ भी गिर जाता है? लाइन चालू हो गया, फिर पेड़ गिर गया, 7 पोल। खुशियाँ कब आप लोग के अंदर में आती है? जब बिजली कहीं के कट जाता है और उसके बाद जब वहाँ जाते हैं, बहाल कर देते हैं, तो खुशी आ जाता है। खुशी आ जाती है। फोन कॉल आता है। चलिए, भगवान हरदम आप सब को खुशहाल रखे, क्योंकि आप लोग खुशहाल रहेंगे तो ही सब लोगों को खुशहाल रखेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नए नोटिफिकेशन लगा मैं फिर आपके साथ हाजिर रुकूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।